बैंक के प्रायोजक है बीएमएच के मसाले, अच्छी सेहत के लिए जरूर, जो है स्वाद में भरपूर। नालंदा के जयप्रकाश उद्यान के पास जंगल में घूम रहे युवक की हत्या, लूटपाट के दौरान दिया गया घटना को अंजाम। रोहतास में थानाध्यक्ष कामेश्वर नारायण यादव को किया गया गिरफ्तार, एक युवती ने फोन पर अश्लील बातें करने का आरोप। वैशाली में बिहार क्रांति महासम्मेलन वर्चुअल संवाद की हो रही है तैयारी, दाऊदनगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक। नमस्कार, मैं हूं पूजा शर्मा और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। भारतीय जनता पार्टी के दिघा विधानसभा क्षेत्र के जयंत मंडल के उपाध्यक्ष राजू बाबा ने राजद को आड़े हाथे लेते हुए कहा कि रघुवंश प्रसाद के साथ राजद ने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया, मजबूरन अपने गरिमा को बचाने के लिए उन्हें पार्टी के पद से इस्तीफा देना पड़ा और उन्हें यह बिल्कुल ठीक किया क्योंकि लालू एंड फैमिली उनकी महत्वता को समझ नहीं पा रहे थे। राजद के तरफ से जो बयान आ रहा है तो राजद के तरफ से तो बयान आ रहा है कि नहीं, रघुवंश बाबू पार्टी में बने हुए हैं, लेकिन उन्होंने राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिए हैं और उनका ये निर्णय बहुत ही सही है, देर से ही सही, ये निर्णय उनके लिए दुरुस्त है। चूँकि लालू प्रसाद जी के जो बड़े लड़का हैं तेजस्वी तेज प्रताप जी, वो बोलते हैं कि पार्टी में उनकी औकात एक लोटा पानी के बराबर है, छोटे बेटे उनके तेजस्वी, उनके किसी भी पार्टी में कोई भी काम हो रहा है तो उनसे किसी प्रकार का राय विचार नहीं लिया जा रहा है। और बहुत तरह की बातें हैं जिनसे दुखी होकर रघुवंश बाबू जो है पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिए हैं। वो रघुवंश बाबू जो 1977 से लेकर आज तक लालू प्रसाद के पार्टी का सेवा करते आए हैं, जब लालू जी जेल में गए तो उनकी पार्टी का ही नहीं उनके परिवार का भी सेवा किए। लालू प्रसाद जी कहते हैं कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नीतीश ने ठगा नहीं, तो ये बात बिल्कुल गलत है। ये फॉर्मूला लालू जी पर सेट होता है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको लालू जी ने ठगा नहीं। लालू जी को आपने देखा होगा कि जैसे राम कृपाल जी हो गए, रंजन यादव जी हो गए, रामानंद यादव जी हो गए, श्याम रजक जी हो गए, ऐसे बहुत सारे नेता जो इनको जन्मजात साथ दिया लेकिन ये उनका नहीं हुए, तो ये रघुवंश बाबू को कैसे होंगे। इसलिए मैं रघुवंश बाबू के इस निर्णय से बहुत खुश हूँ कि देर से ही सही, दुरुस्त ही उनका ये फैसला है। और ये लालू का परिवार कौरव परिवार है और कौरव परिवार से निकलकर उनको पांडव परिवार में आना चाहिए जिस परिवार में कृष्ण भगवान का वास होता है। इसलिए मैं उनके इस निर्णय से बहुत खुश हूँ। जय हिंद, जय भारत। वरिष्ठ शिक्षाविद राज ऋषि आचार्य श्री सुदर्शन जी महाराज ने यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति को छात्र उपयोगी बताया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई शिक्षा नीति की बिंदुवार विशेषताओं की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कहा कि देश तेजी से 21वीं शताब्दी के प्रवेश कर रहा है, इसलिए नई पीढ़ी के छात्र छात्राओं को नई चुनौतियों के साथ स्वयं को उसके अनुरूप तैयार करने की आवश्यकता है। देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रकाशन एक गौरवपूर्ण महोत्सव का अवसर है। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने 34 वर्षों के बाद एक नई शिक्षा नीति की घोषणा की है। मैंने एक एक बिंदु को गौर से पढ़ा, देखा, सुना, समझा और मैं शिक्षा में हूं। मैं 1986 में जो शिक्षा नीति बन रही थी उसमें भी था, मैंने उस परिस्थिति को देखा। इतने वर्षों के बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई, मैं इसके लिए भारत के माननीय महान प्रधानमंत्री जी को कोटि सह धन्यवाद और अरबों करोड़ों जनता की ओर से उन्हें साधुवाद देता हूं कि उन्होंने पहली बार देश की नब्ज को पहचाना, देश की भावनाओं को समझा, बच्चों की भावनाओं को समझा और तब एक नई शिक्षा नीति सामने आई। मैं इतने वर्षों से शिक्षा में हूं, पहली बार मैंने देखा कि कोई ऐसी शिक्षा नीति हमारे देश में आई है जो बच्चों के हित में है, बच्चों के भविष्य के हित में है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा
कि 21वीं शताब्दी में प्रवेश के लिए हमें उसकी तैयारी करनी चाहिए। यह सच है कि हम तभी 21वीं शताब्दी में प्रवेश कर सकते हैं जब नया वातावरण में नए मनोबल से नई मन की स्थिति बनाकर प्रवेश करेंगे। पुराने सारे चीज ध्वस्त हो चुके हैं और जो आज पूरे देश में वातावरण नेगेटिव वातावरण बन गया, ड्रॉप आउट की समस्या हो गई, बच्चे पढ़ाई से भागने लगे, शिक्षा की बेहतर स्थिति इसलिए हो गई कि हम बच्चों के लिए शिक्षा नीति नहीं बना सके। पहली बार इतना महान कार्य हुआ है, इस गौरवपूर्ण दिवस को मैं नमस्कार करता हूं। और माननीय प्रधानमंत्री जी की एक ही दृष्टि थी, जब बच्चों की प्रतिभा को विकसित करो, बच्चों को प्रैक्टिकल बनाओ, बच्चों को पता होने दो कि भागलपुर में जो सिल्क की फैक्ट्री बनी है वो फैक्ट्री चलती कैसे है, सिल्क बनता कैसे है। उन्होंने तो यहां तक कहा कि जिस ऑटो पर तुम बैठते हो उस ऑटो के ड्राइवर के बारे में तुम जानो, रसोइये के बारे में जानो, और उसी प्रकार शिक्षक के बारे में भी जानो, अपने माता पिता के बारे में भी जानो, अपने परिवेश के बारे में भी जानो, जो तुम खाते हो उसके बारे में जानो, जो तुम कपड़ा पहनते हो उसके बारे में जानो, जिस वातावरण में तुम रहते हो उसके बारे में जानो। उन्होंने बहुत अच्छा एक उदाहरण दिया था कि उन्होंने यही कहा था कि जो व्यक्ति जापान में देखे जाकर, वहां जापान में जो व्यवस्था है शिक्षा की, वहां जंगलों में पहाड़ों पर और क्लास से बाहर बच्चों को ले जाकर पढ़ाने की बात हो रही है, हम लोगों के भी भारत में उन्होंने आह्वान किया है कि सभी बच्चों को कक्षाओं से बाहर निकालो और खुले मैदान में, जंगलों में, नदी पहाड़ झरनों के बीच ले जाकर बच्चों को पढ़ाओ ताकि उसकी आत्म प्रतिभा विकसित हो सके। एक ही उद्देश्य है, व्यक्ति की प्रधानता, व्यक्ति की प्रतिभा को विकसित करो और शिक्षा नहीं दीक्षा की बात करो। मैं इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि पहली बार उन्होंने देश की भावना को समझकर बच्चों के हित में एक शानदार शिक्षा नीति का आह्वान किया है। मैं तमाम लोगों की ओर से, शिक्षाविदों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। मोतिहारी में एक युवक को अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। घटना तुरकौलिया थाना के पुलवा घाट के समीप की है। घटना के बाद सैकड़ों लोग सदर अस्पताल में जमा हो गए, लेकिन घटना के एक घंटे बाद भी पुलिस नहीं पहुंच सकी। वहीं ग्रामीणों ने बगैर पोस्टमार्टम कराए शव को लेकर तुरकौलिया चले गए। वहीं ये पूरा मामला जमीनी विवाद का बताया जा रहा है। घटना घर से चले थे अभी आधा घंटा पहले, पुलवा घाट जैसे ही आए गोली मार दिया। कौन लोग मारे? कुछ अपने पड़दारी को लोग मारे हैं, हमारे पड़दारी को लोग मारे हैं। क्या नाम है? एहतसाब आलम मुश्ताक कारी असगर सदाम अन्य अन्य लोग और बहुत लोग हैं। किन किन को नाम ले सकते हैं? बहुत लोग हैं। किस लिए लोगों ने? पहले से झंडे था, हम लोग में झगड़ा था, उन लोग को धमकी भी दिया था दो तीन बार की, गोली मारे गया इससे पहले, गोली 10 दिन पहले गोली चला लगा, ये हमने से ना बताइलो। बिहटा प्रखंड के अमहारा निवासी एक बेरोजगार युवा आशु कुमार ने अनोखी पहल की। युवा ने अपने घर में ही सीमेंटेड बायोफ्लॉक विधि से मछली पालन रोजगार की शुरुआत की है। साथ ही इस प्रोजेक्ट का विस्तार करते हुए युवा ने बायोफ्लॉक की संख्या बढ़ाकर बड़े स्तर पर मछली उत्पादन करने की योजना भी बनाई है। क्या सोचा है कि आप? लॉकडाउन के कारण हम लोग बेरोजगार बैठे हुए थे और मोदी जी क्या ये आत्मनिर्भर हम लोग देखे तो मेरा घर में जगह बचा हुआ था और यूट्यूब पर वीडियो देखे थे और एक हमारे मित्र हैं जो मीठापुर के हैं मयंक भैया, वो पहले से किए हुए थे, उनको देख के और हमको बहुत सपोर्ट भी किए हैं उनसे, हम प्रशिक्षण लेके इस विधि से तैयार किया। कितना टाइम लगा के? ये बायोफ्लॉक विधि से तैयार हुआ है और पिछले 2 महीने से हम कर रहे हैं। कहाँ से ये आपको सोच आया कि ये? हम वीडियो यूट्यूब पर देखे थे, उसके बाद हमारे बगल के मयंक भैया किए हुए थे, उनके पास हम गए और सोचे कि मेरे घर के बगल में जो ज़मीन है हम भी वहाँ से स्टार्ट करते हैं। और घर में ही आप शुरू किए? जी। कितने महीने में तैयार हो जाता है? 5 से 6 महीने में।
कितना एक बार में कितना मछली आप इसमें? 10,000 लीटर के टैंक में उसमें 1,000 बच्चा डाल सकते हैं हम लोग, मतलब 5 से 6 क्विंटल प्रोडक्शन निकाल सकते हैं। सरकार की तरफ से कोई मदद आपको मिला? सरकार की तरफ से तो हमें अभी कोई मदद नहीं मिली है, अप्लाई किए हुए हैं, बाकी देखिए सरकार कब मदद करती है। क्या संदेश देना चाहते हैं युवाओं को? हम यही कहना चाहते हैं कि ये जो लॉकडाउन की वजह से हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बोले आत्मनिर्भर, तो हम मतलब अपना आत्मनिर्भरता का ये देखते हुए खुद का बिजनेस स्टार्ट किए, और हर युवा को हम यही कहें कि आत्मनिर्भर बने, अपना रोजगार करें। क्या नाम है आपका? आशु कुमार। घर? अम्हारा। प्रखंड? बिहटा। बायो फ्लैक्स योजना हम लाए हैं, किसानों को हम उसमें ट्रेनिंग दे रहे हैं, परिभ्रमण करा रहे हैं और काफ़ी सफल हो रहा है। पिछले वित्तीय वर्ष किसानों को ट्रेनिंग दिया गया है, किसानों को हम परिभ्रमण भी कराए हैं। किसान काफ़ी पसंद, कम जगह में मछली का उत्पादन होता है। 8.5 लाख की योजना हमारी है, सामान लोगों के लिए पूर्ण अनुदान है, अनुसूचित जाति जनजाति अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों के लिए 75% है। चालू वित्तीय वर्ष में योजना को हम ला रहे हैं और विज्ञापन में जा रहे हैं, उससे बिहार में मछली का उत्पादन बढ़ेगा। ऐसे बेरोजगारी भरी पर्यटक नगरी राजगीर स्थित जयप्रकाश उद्यान के पास जंगल में घूम रहे एक युवक की बदमाशों ने चाकू मारकर हत्या कर दी, जिसके साथ एक युवती भी थी। वहीं परिजनों ने लूटपाट के दौरान हत्या का आरोप लगाया है। वहीं मृतक की पहचान आरा जिला के स्थित तरारी थाना क्षेत्र के खरहना गांव निवासी सन्नी कुमार के रूप में की गई है। वो आगे बढ़ा तो देखा कि 4 गो लौंडा था, रुकाया नहीं, रुका तो लाठी से मारा और ये तो गिर गया वहीं पर ही, और लड़की उछल के भागा। कोई गाड़ी आ रहा था, गाड़ी के सामने खड़ी हो गया तो लड़की का इज्जत प्रतिष्ठा सब बचा इसके भागने का। और वही करण में अंगूठी था, मोबाइल था और चाकू मार दिया। यही है हमारे ये होम डिस्ट्रिक्ट है मुख्यमंत्री के, और राजगीर आप तो लोग जानबे करते हैं कि मुख्यमंत्री के गृह जिला है और एक अच्छे जगह है जो माने जाते हैं कि लोग विदेश से भी राजगीर आते हैं। और वक्त एक बार साल भर भी कांड हुआ था उसके बाद और डेड बॉडी हो गया और डॉक्टर बोल रहा है कि पटना ले जाइए, जीवित है। मार दिया ना तो इनको ले गए, तो हमको पकड़ रहा था तो हम भाग कर चल गए रोड पर, इन लोग को बुलाने तो उनको चाकू मार के फिर फेंक दिए जंगल में। कितना लोग था वो लोग? 4। अच्छा, छीना होना भी था सामान वन भी? सामान वन भी छीना था? हाँ, अंगूठी और मोबाइल। अंगूठी और मोबाइल तो वो लोग पैदल था कि बाइक? पैसा भी लिया था। वो लोग पैदल था कि बाइक से था? पैदल था, जंगले में है उन लोग, लेकिन ये लोग खोजे नहीं पुलिस लोग। आप लोगों ने पुलिस को सूचना दी थी? क्या नाम? रोहतास में धर्मपुरा ओपी के थाना अध्यक्ष कमेश्वर नारायण यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि संझौली में कमेश्वर नारायण यादव पर एक केस के सिलसिले में एक युवती ने फोन पर अश्लील बातें करने का आरोप है। बताया जा रहा है कि यह मामला जब रोहतास के SP सत्यवीर सिंह ने पहुंचा तो उन्होंने मामले की जांच कराई। मामले की सत्यता सामने आते ही SP ने निर्देश पर संझौली थाने की पुलिस ने धर्मपुरा ओपी के थाना अध्यक्ष कमेश्वर नारायण यादव को गिरफ्तार कर लिया। कमेश्वर नारायण यादव पूर्व में प्रभारी थाना अध्यक्ष संझौली का एक मुकदमा हुआ था जिसमें एक महिला उसके अधिकता थी। उस महिला को लाभ पहुंचाने के लिए, गिरफ्तारी से बचाने के लिए प्रभारी पूर्व के जो प्रभारी थाना अध्यक्ष हैं कमिश्नर नारायण यादव जी, वो हमको फ़ोन पर उनसे अश्लील बातें कर दिए थे, और लाभ पहुंचाने के लिए, गिरफ्तारी से बचाने के लिए उन पर दबाव बनाए थे और उनका शारीरिक संपर्क बनाना चाहते थे। ये इस संबंध में महिला के द्वारा वीडियो, उनका जो आइडियो था, जो बात करते थे, उनको रिकॉर्ड कर लिया गया था और वो जब वायरल हुई तो उसके सत्यापन की गई, जांच की गई। सत्यापन में कमिश्नर नारायण यादव लगाया गया, आरोप प्रमाणित हुआ, जिसके उन्हें गिरफ्तारी की गई है। गिरफ्तारी करके जो विधिक कार्रवाई होती की जा रही है,
पुलिस अधीक्षक महोदय रोहतास के द्वारा उन्हें निलंबित में कर दिया गया है। आज ही कार्रवाई होगी। राजधानी पटना के IGIMS में राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में गर्भवती महिलाएं, बच्चे सहित पुरुषों ने भी हिस्सा लिया। पोषण कार्यक्रम में संतुलित भोज्य पदार्थों का ग्रहण करने पर चर्चा की गई। वहीं कार्यक्रम पर प्रतिनिधित्व डॉक्टर मनीष मंडल ने किया। आप उन लोगों के लिए बात करते हैं, खासकर भी जो कि मांसाहारी नहीं है, अर्थात शाकाहारी है। आगामी 15 सितंबर को कांग्रेस पार्टी के बिहार क्रांति महासम्मेलन वर्चुअल संवाद की तैयारी को लेकर वैशाली प्रखंड क्षेत्र के दाऊदनगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक की गई। बैठक में उपस्थित नेताओं की अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर वर्चुअल संवाद का सफल बनाने पर चर्चा की गई। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता धर्मवीर शुक्ला ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय नेता वैशाली, लालगंज और हाजीपुर विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने पूरे उत्तर बिहार में आज के डिजिटल प्रचार का जो माध्यम है, उस माध्यम से वर्चुअल रैली कर रही है, जिसमें वैशाली जिला के 4 विधानसभा में 15 तारीख को 2 बजे से वो वर्चुअल रैली होगी, जिसमें AICC से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, बिहार के प्रभारी और बड़े बड़े नेता लोग को रखा जाता है और बिहार के सभी बड़े लीडर उस वर्चुअल रैली में रहते हैं। उसी सिलसिले में आज वैशाली विधानसभा के में जो 15 तारीख को होना है, हम लोगों ने निश्चित किया है इस पंचायत में दाऊदी जी के आवास पर दाऊदनगर में यहाँ करेंगे और वैशाली विधानसभा में और भी जगह 2-3 जगह हो रहा है, तो उन्हीं सब चीज़ों की समीक्षा हम लोग कर रहे हैं कि वहाँ पर TV लगाने की कैसे व्यवस्था हो, लोगों के बैठने की व्यवस्था कैसे हो, लोग आएँ जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ पाएँ, इसी सब तैयारी के लिए दाऊदी जी की अध्यक्षता में, प्रखंड अध्यक्ष रामजानन बाबू के अध्यक्षता में हम लोग मिल करके इस सब की तैयारी समीक्षा करके आज यहाँ बैठे हैं और बैठ के ये तय कर रहे हैं कि उस दिन जिस जिन जगहों पर होना है ये रैली, वहाँ पर कैसे कैसे अरेंज किया जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी जोरों पर है। वहीं इस क्रम में कड़ी में केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने कहा कि UDA राजनीति फ्रंट में 16 राजनीतिक दल में एक आंदोलन के लिए शामिल हुए हैं। वहीं 243 विधानसभा सीटों पर UDA अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी। आपके बाई तरफ है श्री अशफाक रहमान, UDA के वरिष्ठ हमारे कोर कमेटी के मेम्बर हैं और JDR के राष्ट्रीय कन्वीनर हैं। उनके साथ हैं प्रोफेसर रतन मंडल, जो बिहार सरकार के अत्यंत पिछड़ा आयोग के फॉर्मर चेयरमैन हैं। वो कहीं ना कहीं जनता के ध्यान में नहीं आते हैं, क्योंकि प्रचार इतना तगड़ा होता है, इतने पैसे खर्च किए जा रहे हैं प्रचार कि जनता झूठ के ऊपर विश्वास करने लगती है, समझती है, यही सच है। सर, लगातार आपका बिहार में दौरा हो रहा है, क्या लगता है कि बिहार अभी किस स्थिति में है? बिहार हर क्षेत्र में देश के सबसे नीचे पायदान है, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो कृषि हो, चाहे वो उद्योग, चाहे वो रोजगार, हर क्षेत्र में हम सबसे नीचे पायदान में आज खड़े हैं। बिहार की जनता व्याकुल है बदलाव के लिए और हम लोगों ने तय किया है कि हम लोग बदलाव के लिए विकल्प बिहार की जनता के सामने पेश करेंगे और एक बेहतर बिहार बनाकर उनको देगा। सर, जिस तरह देगा बिल्कुल चरमरा गई है। आप किसी अखबार को या चैनल को, अखबार को उठाकर देखें, चैनल को देखें, तो अपराध की घटनाओं से वो भरा है। दिन दहाड़े लूट, दिन दहाड़े डकैती, दिन दहाड़े मर्डर, दिन दहाड़े रेप, ये 4 जो सबसे घृणित अपराध बिहार में बेतहाशा वृद्धि उसमें हुई है और खास करके हमारी बेटियां कहीं भी सुरक्षित नहीं है। तो लग रहा है कि आप लोग किस किन खास मुद्दों को लेकर के अभी जो है लोगों के बीच जा रहे हैं? हम लोगों के बीच में जा रहे हैं इस वादे के साथ कि हम लोग अपराध मुक्त बिहार बनाएंगे, हम लोग भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाएंगे और बिहार जो बदहाली झेल रहा है वर्तमान में।
सहरसा जिला के स्थानीय स्टेडियम के पास आंगनबाड़ी सेविका सहायिका ने अनिश्चितकालीन हड़ताल किया। बता दें कि सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री का अर्थी रखकर जमकर प्रदर्शन किया। मौके पर सेविका सहायिका ने कहा कि अगर सरकार उनकी मांग पूरी नहीं करती है तो ये हड़ताल जारी रहेगा। हमारा सर मुख्य मांग है, हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा देना होगा। दूसरा मांग है कि डीबीटी के माध्यम से पोषाहार की राशि सदा के लिए बिहार में लागू हो। तीसरा मांग है बिना लेटर का कोई भी काम आंगनबाड़ी सेविका से नहीं लिया जाए, और जब तक सरकार हमको सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं देंगे तब तक हम लोग लगातार अनवरत यहाँ बैठे रहेंगे, क्योंकि सहरसा के कमिश्नर, सहरसा के डीएम और सहरसा के एसडीओ, हमको लगता है कि तीनों कोरोना पॉजिटिव है, क्योंकि क्वारंटाइन होने के बाद लोग घर से नहीं निकलता है। वैसे कम से कम उनको हमसे नहीं मिलना था तो कम से कम इन समूह की महिलाओं से जरूर उनको विधि व्यवस्था देना चाहिए था, और उन्होंने एक भी पुलिस भेजने का काम नहीं किया। इससे प्रतीत होता है कि हमारे प्रशासन के सभी लोग या तो मरे हुए हैं या महिलाओं को देखना पसंद नहीं करते हैं। हमको लगता है कि ये लोग प्रजातंत्र को मिटा देना चाहते हैं। कल से है सर, और लगातार है। उस बारिश में भी हम लोग भर रात रहे, और धरना स्थल का आप लोग अपने से मुआयना कर लीजिए कि क्या हालात है। उस स्थिति में हम रोड पर बैठने का काम किए हैं। आप लोगों की मांगे अगर पूरी नहीं होते हैं तो आप लोग आगे क्या कीजिए? हम लोग अनवरत रहेंगे, और उसके बाद भी यदि हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो अब की बार आंगनबाड़ी सेविका सहायिका और उनके परिवार के जितने भी लोग हैं जो हमारा सुनेगा उसकी सरकार बनाने का काम करेंगे, यदि नहीं सुनेगा तो नोटा पर बटन दबाने का काम करेंगे। क्या नाम है आपका? आंगनबाड़ी सेविका सहरसा। इस वक्त की खबरों के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।